नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के फाउंडर, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव वह भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है राष्ट्रपति चुनावों को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिसे मैं वोट दूंगा वही जीतेगा, यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में जिसे शिवपाल यादव वोट करेंगे वही चुनाव जीतेगा, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है शिवपाल यादव की। लेकिन देखिए, केवल मात्र शिवपाल यादव के वोट से हार या जीत का फैसला नहीं होगा। लेकिन वह ऐसा क्यों कह रहे हैं हम यह नहीं जानते। और उन्होंने क्या कहा, यह शर्त रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं उसी को वोट दूंगा। पहले तो कहा जिसको मैं वोट दूंगा वही जीतेगा, और मैं उसे वोट दूंगा जो वोट मांगने मेरे पास आएगा। भारतीय जनता पार्टी से यदि कोई आएगा तो वह द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, विपक्ष की तरफ से यदि कोई जाएगा तो यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। तो यह कहते नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव। तो उनके पास कोई जाएगा या नहीं जाएगा यह भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन साथ में ही उन्होंने यह भी तय कर दिया है कि अब वह समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि जब जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे, सभी सीटों पर तो नहीं लेकिन जिन सीटों पर उनको लगेगा जीत की उम्मीद है, वहां सभी प्रत्याशियों को लड़वाएंगे, सभी प्रत्याशियों को उतारेंगे। और वह आपको मैं बता दूं कि 2019 में भी चुनाव लड़े थे, उन्होंने अपने सांसद के लिए उम्मीदवार उतारे थे और खुद भी फिरोजाबाद से लड़े थे, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो शिवपाल यादव की बात से यह तो लगने लगा है कि अब वह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। लेकिन यह पहले की बात है, जब वह समय करीब आएगा तो समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन फिलहाल उनके मूड में यही है कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी के साथ लड़ सकते हैं या नहीं यह तो नहीं कहा, लेकिन हो सकता है अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि जिसे मैं वोट दूंगा वही जीतेगा और जो मेरे पास आएगा मैं उसी को वोट दूंगा, तो इस संबंध में अपनी राय जरूर बताएं। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।